हेलो गाइस, तो मैं आज बैंगन करी बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैंगन लिया है और इस तरह से मैं उसे पहले कट कर लेता हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। मैं यहाँ पे दो लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने चार बैंगन टोटल लिया है और उसे इस तरह से कट किया है। अब हम एक प्याज लेंगे, ऑनियन, उसे कट कर लेंगे। और एक टमाटर लेंगे, उसे भी इस तरह से कट कर लेंगे हम। और अभी एक हंडी में ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने इधर ऑनियन डाल दिया है, इसे हल्का सा भुनेंगे। दोस्तों, बैंगन की करी मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। तो अभी मैं यहाँ पे टोमेटो डाल दिया हूँ जो कट किया था हमने। और डालेंगे नमक, नमक ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि वो अभी मैं आपके आगे बताऊंगा क्यों मैंने नमक ज़्यादा नहीं यूज़ किया। अभी डालेंगे इसमें जीरा पाउडर लगभग आधा टीस्पून, और सेम आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। और अब डालेंगे धनिया पाउडर एक टीस्पून, और अब हम डालेंगे गरम मसाला लगभग 1.5 टीस्पून, डेढ़ चम्मच। इसे थोड़ा सा भुनेंगे ताकि जो मसाला मैंने डाला है वो अच्छे से पक जाए। से मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए रखा था पकने के लिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा मसाला भून चुका है अच्छे से, टमाटर एकदम गल गया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा बेसन, बेसन को डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। बेसन को हल्का सा यहाँ पे मैं भून रहा हूँ, अभी पकड़ने लगा है। तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे क्योंकि बेसन चिपक जाता है ना, तो पानी डालने से वो थोड़ा ये हो जाएगा सॉफ्ट। फिर मिक्स करेंगे। दोस्तों, एकदम स्लो पे गैस रखना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा गैस आप फास्ट रखेंगे तो जल जाएगा मसाला। तो यहाँ पे मैं और थोड़ा इस पर पानी डालूँगा ताकि बेसन चिपके नहीं और अच्छे से पक जाए। अब मैं यहाँ से ढक के सिर्फ 2 मिनट पकाता हूँ। तो देखिए 2 मिनट के बाद इस तरह से बिल्कुल पक चुका है। और हम डालेंगे यहाँ पे दही, मैंने एक छोटा सा पैकेट डाला है। गैस बंद करके दही डालना है, ठीक है, क्योंकि गैस तो मैंने गैस बंद करके इसमें दही डाला था। और मैं थोड़ा पानी डालूँगा क्योंकि जब बेसन डालते हैं तो घाट हो जाता है। और इसे थोड़ा सा चला लेंगे।
आप अगर हो सकता है तो मसाला पकने के बाद, ठंडा होने के बाद फिर दही डालें, क्योंकि शायद आप नहीं कर सकते जैसा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे गरम मसाले में ही डायरेक्ट डाल दिया हूँ दही। तो आप मसाला ठंडा होने के बाद दही डाल सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा पानी डालें, और वो मसाला मैंने साइड में रख दिया है, और एक दूसरे हंडी में ऑयल डालूँगा थोड़ा। और जो कटा हुआ हमारा बैंगन है, अब मैं उसे यहाँ पे थोड़ा फ्राई करूँगा। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर हम इसे ढक के थोड़ा सा पकाएंगे, ताकि बैंगन अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। तो अब देखिए हमारा ये बैंगन सॉफ्ट हो चुका है। अब हमारा जो मसाला हमने रखा था वो हम डालेंगे। तो यहाँ पे मैं मसाला अब डाल दिया हूँ, थोड़ा इसे मिक्स करेंगे और गैस स्लो रखेंगे एकदम। थोड़ा सा पानी डालना है हमको, क्योंकि कढ़ी बना रहे हैं तो कढ़ी जैसा थोड़ा पतला चाहिए हमें यहाँ पे। थोड़ा और पानी डालेंगे, तो ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे ढक के 15-20 मिनट पकाएंगे, कम से कम 15 मिनट स्लो फायर पे। तो 15 मिनट के बाद हमारा ये कढ़ी रेडी हो चुका है। आप इसे राइस से सर्व करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।